तो आज हम लोग क्लास एट का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहला है ब्रिट बोर्ड, ठीक है। ब्रिट बोर्ड अ मार्केट टाउन इन डॉर्सेट, ठीक है। डॉर्सेट जो है वो इंग्लैंड का एक छोटा सा टाउन है, ठीक है। ये एक इंग्लैंड का इंग्लैंड में पाया जाने वाला एक सिटी है, ठीक है। तो इसी का नाम है अ मार्केट टाउन इन डॉर्सेट। तो ब्रिट बोर्ड क्या है, एक मार्केट टाउन है जो कि इंग्लैंड में डॉर्सेट में। चलिए सेकेंड वर्ड है जंक शॉप। जंक शॉप क्या होता है, अ शॉप सेलिंग मेनी काइंड्स ऑफ ओल्ड मटीरियल। फ्रेंड्स जंक शॉप क्या होता है, एक शॉप होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो सेकेंड हैंड मटेरियल्स होते हैं या फिर ओल्ड मटेरियल्स होते हैं उनको सेल किया जाता है, ठीक है। थर्ड वर्ड है आपका रोल टॉप डेस्क। इसका मतलब है अ डेस्क विद फ्लेक्सिबल स्लाइडिंग कवर, ठीक है। रोल टॉप डेस्क एक डेस्क होता है जिसमें ढेर सारे दराज लगे होते हैं, जो कि आपके बुक में लास्ट पन्ने पर उसकी एक फोटो दी गई है, उसे आप ध्यान से देखें। ओके, फोर्थ वर्ड है स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब है फाउंडेड, ठीक है, यानी कि पाया जाना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब है वायलेंट फोर्स। ओके स्ट्रेंथ। और फ्रिज, फ्रिज का मतलब क्या होता है, फ्रिज का मतलब है एक पॉपुलर जर्मन निकनेम, ठीक है, यानी कि जर्मन के लोगों को एक निकनेम दिया जाता है और वो है फ्रिज, ठीक है। और आगे है नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड का मतलब क्या होता है, नो मैन्स लैंड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड व्हिच फॉल्स इन द मिडल ऑफ बॉर्डर्स ऑफ टू कंट्रीज, यानी कि दो कंट्रीज के बीच का एरिया, दो कंट्रीज के बॉर्डर्स का जो बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे नो मैन्स लैंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सेवन डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बताया, आप इनको अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और इसे अच्छी तरह याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा वर्ड्स दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर को समझने के लिए इन वर्ड्स का जानना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।